संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सेलवास झंडा चौक प्राथमिक शाला में नव शैक्षणिक सत्र शुरू थता प्रवेश लेनार बाळको मावे प्रवेशोत्सव कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो। झंडा चौक की शाला में एसपी राजेन्द्र मीणा की अध्यक्षता में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम योजवामां आव्यो हतो, जेमां शाला में प्रथम पगथिया चढ़नारी नाना भूलकाओं ने माथे टोपी पहेरावी चोपड़ा तेमज चॉकलेट आपी प्रवेश आप्या बाद ट्रेक्टर में बेसाड़ी शोभायात्रा काढवामां आवी हती। साथे साथे शाळाना बाळको माटे तिथि भोजन पण करावामां आव्युं हतुं। सारे बच्चों जो पहली क्लास में आ रहे हैं या पहले से स्कूल में हैं, उपस्थित पेरेंट्स, टीचर्स, मीडिया के साथी और बाकी तमाम जो यहाँ आज इस उत्सव में शामिल है, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस जो मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मेरा पहला दिन का शाम को मैंने ज्वाइन किया, दूसरे दिन मुझे अरेंजमेंट के लिए भी जाना पड़ा और मेरे ऑफिस के बाद में दूसरी जगह है जहां मैं आ रहा हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है यहां पे बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जरूर बोलना चाहूँगा, शिक्षा मोस्ट पावरफुल वेपन बोला जाता है जो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है, इससे बड़ा हथियार नहीं है जो दुनिया चेंज कर सकती, ऐसा नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था। और शिक्षा सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं है, शिक्षा आपका माइंड और आपकी आत्मा, आपका चहुमुखी विकास है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं स्कूल में एंटर कर रहा था मैंने वो एक अच्छा माहौल देखा, एक जज्बा देखा बच्चों में, स्टूडेंट्स में भी, यहाँ पर जो टीचर्स मिले उनमें और आपके जो प्रिंसिपल और एजुकेशन ऑफिसर साहब यहाँ पर हैं, मैडम यहाँ पर हैं, इन सब में वो जज्बा देखा जो आपके बच्चों को दो मुख्य विकास की ओर लेकर जाएंगे। मुझे ये भी पता चला कि ये उत्सव के तौर पे हमेशा मनाया जाता रहा है 2017 से, ये हमारे प्रशासक साहब की लीडरशिप में बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम होता है। बच्चे क्योंकि पहला एक दिन जो होता है, पहली कोई भी चीज़ होती है बड़ी अच्छी लगती है, बच्चों को पहला खिलौना मिलता है वो अच्छा लगता है, बच्चों को पहली किताब मिलती है वो अच्छी लगती है, ऐसे ही बच्चों का जो पहला दिन होता है स्कूल में अगर उसको इस तरह से उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा तो वो भी आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि आपका पहला दिन जो है स्कूल का वो इसमें धूमधाम से मनाया गया। सभी जो बच्चे हैं वो मुझे पूरी आशा है कि ये बच्चे जो है वो इस दिन को बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। मैं इस स्कूल के बारे में इस जगह क्लास में गाँव में पढ़ाई शुरू करी, गाँव से हूँ मैं और फिर पढ़ाई से जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पेरेंट्स उपस्थित हैं वो इस चीज़ को समझे कि पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हाइजीन मेंटेन करना, बेसिक और तरीके सीखना, बच्चे अपनी बॉडी को फिट रखते हैं उसके लिए स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना और तरह तरह की चीज़ें स्टेज पे कल्चरल प्रोग्राम हम